हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए पैनासोनिक कॉलर आईडी लैंडलाइन फोन का रिव्यू और अनबॉक्सिंग लेके आया हूं। फ्रेंड्स, होप करता हूं आपको जो मेरा रिव्यू अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आपका फ्रेंड हूँ संजीव। ये मैंने सेट अमेज़न से मंगवाया, जिस तरह आप देख रहे हैं। जे मैं पहले ही थोड़ा इसका ऊपर का कवर निकाल चुका हूं आपकी सहूलियत के लिए, ताकि ये वीडियो छोटी हो। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये सेट मंगवाना होगा तो मैं आपको अमेज़न का लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से सेट को मंगवा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको ओपन करने से पहले, खोलने से पहले मैं आपके इसके जो मेन फीचर है वो आपको समझा दूं। इसमें 16 डिजिट LCD विद क्लॉक है, जिसका मतलब यह है कि इस फोन में जो कॉलर आईडी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्पीकर फोन 3-स्टेप रिंगल वॉल्यूम कंट्रोल फंक्शन है, इसका मतलब यह है कि आप रिसीवर उठा के तो इसमें तो बात कर ही सकते हैं। साथ में इसमें स्पीकर फोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई ऑफिस पर्पस के लिए 3-4 इंसान अगर एक साथ में बात करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऊपर से इसका जो स्पीकर वॉल्यूम है वो उसका वॉल्यूम कंट्रोल भी लगाया हुआ है इन्होंने। 3-स्टेप वॉल्यूम कंट्रोल है, जिससे आप इसकी आवाज ज्यादा या कम कर सकते हैं। बाकी इसमें जो बहुत ही जो मेन फंक्शन मुझे बहुत ही अच्छा मेन फंक्शन लगा, जो कि बीतल में या ऑर्पेट फोन में आपने देखा होगा कि कॉलर आईडी फंक्शन के लिए आपको बैटरीज पीछे 3 बैटरीज डालनी पड़ती है, जो कि नियर अबाउट कुछ साल के बाद हमको वो बैटरी चेंज करनी पड़ती है। उसको हमको बैटरीज वगैरह का हमको खर्चा पड़ता है, लेकिन इसमें नो बैटरीज रिक्वायर्ड है। कलर आईडी जो फैसिलिटी है, आप डायरेक्टली ही जैसे ही आप लाइन कार्ड कनेक्ट करेंगे आपको कलर आईडी फैसिलिटी मिल जाएगी। बाकी फ्रंट साइड में मैं आपको बता दूं, इसमें फ्लैश सेटिंग भी इसमें अवेलेबल है, जो कि आजकल लाइन फोन जो आ रहे हैं, जो लैंडलाइन फोन आ रहे हैं, वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए इनकी ज्यादा सेल हो रही है। आप इस लैंडलाइन फोन को ब्रॉडबैंड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए इसमें फ्लैश सेटिंग भी अवेलेबल है। बाकी जो मेन फंक्शन है इसमें है कॉलर आईडी के लिए 30 नंबर इसके स्टोर होते हैं, बाकी जो आप फोन कर रहे हैं वो 5 नंबर आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। बस ये बाकी मुझे इसमें एक फैसिलिटी और बहुत अच्छी लगी कि आप इसको डेस्कटॉप पे भी इस तरह रख सकते हैं, और एक वॉल माउंट के लिए कंपनी ने इसके पीछे 2 छेद किए हुए हैं टेलीफोन के पीछे, कि आप 2 स्क्रू वॉल पे लगा लेंगे तो उसकी वजह से आप इसको वॉल माउंटेबल भी कर सकते हैं। बाकी इसमें म्यूट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसका फंक्शन क्या होता है कि अगर ऑफिस पर्पज के लिए अगर आप म्यूट का स्विच प्रेस कर देंगे तो उसका क्या होगा कि अदर पार्टी है वो आपकी आवाज नहीं सुन सकेगी। मतलब इसको एक तरह का होल्ड ऑन फैसिलिटी अवेलेबल भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो कलर अवेलेबल होते हैं वो 2 कलर अवेलेबल हैं, एक वाइट कलर अवेलेबल है और एक ब्लैक कलर अवेलेबल है। ये 2 कलर्स में आता है, ये मैंने जो कलर मंगवाया है ये ब्लैक कलर मंगवाया। फ्रेंड्स, आप लास्ट तक मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए, उसके बाद मैं आपको एक तरीका इसका आपको प्राइस भी बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आपको ये सेट ऑनलाइन में थोड़ा अगर सस्ते 10% लेस में अगर लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको इसका प्राइस और बाकी डिटेलिंग वगैरह बाद में बताऊंगा। इसलिए आप लास्ट तक मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, सेट को देखते हैं अंदर ये कैसा सेट है। इसका बहुत ही कंपैटिबल बॉक्स लगा, बहुत ही छोटा अच्छा प्यारा बॉक्स लगा है मुझे। बाकी देखते हैं कंपनी ने किस तरह के इसमें फिटिंग की हुई है। ये जो रिसीवर लीड है, रिसीवर लीड कंपनी ने दी हुई है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रिसीवर लीड दी हुई है। बाकी RJ11 लीड भी कंपनी ने दी हुई है, बहुत ही अच्छी कंपनी की RJ11 लीड है, जिसकी जो लेंथ है नियर अबाउट 3 मीटर लेंथ है। बाकी कंपनी ने इसके साथ वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल दिया है, अगर आपको सेटिंग्स वगैरह मतलब करनी है, देखनी है कि इसकी सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं और या इसको ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी किस तरह ऑपरेट करना है, उसके लिए भी इसका यूजर मैनुअल भी कंपनी ने दिया हुआ है। बाकी इसका मैं आपको मॉडल नंबर बता दूं, KXTSC62SX इसका मॉडल नंबर है, और इसका जो प्राइस है
ये मैंने मुझे जो मैं परचेज किया है नियर अबाउट कोई 1200 रुपीज का पड़ा हुआ है। ये मैं बताऊंगा ये मुझे ये लेस प्राइस किस तरह क्यों पड़ा है सेट का, इसलिए आप लास्ट तक आप मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए। बाकी बहुत ही नाइस पैकेजिंग लग रही है, बहुत ही ध्यान से पैक किया हुआ है सेट कंपनी ने, जिस तरह आप देख रहे हैं। काफी अच्छा मुझे इसका जो मटेरियल लगा है, काफी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगा है इसका, जिस तरह आप देख रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स कनेक्ट कर लेते हैं इसको पूरे ही सेट को, तो उसके बाद मैं आपको चला के भी बताता हूँ ये इसकी रिंग वगैरह कैसी है, या इसका स्पीकर फोन ऑन करके भी बताऊंगा कि इसकी किस तरह है इसकी वॉल्यूम वगैरह है, इसलिए आप बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। फ्रेंड्स जो मेरा ये वीडियो है, मेरा जो चैनल है, ये लैंडलाइन फोन रिलेटेड, लैंडलाइन फोन रिपेयरिंग रिलेटेड चैनल है, इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि 1 ईयर तक तो आपको सेट की जो वारंटी है आप वो मिल जाएगी, क्योंकि इसके जो सर्विस सेंटर है इंडिया के और बाकी हर जगह में ही इसके जो सर्विस सेंटर है वो अवेलेबल हैं। आपको 1 ईयर की तो मतलब कोई टेंशन नहीं रहेगी रिपेयरिंग के लिए, अगले 1 ईयर के बाद भी अगर आपको कोई रिपेयरिंग वगैरह करानी होगी, अगर सेट कोई में कोई दिक्कत आ जाएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी ही आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरा ये चैनल है लैंडलाइन फोन रिपेयरिंग रिलेटेड चैनल है। ये लीड बाद में कनेक्ट करेंगे, मैंने पहले ही लैंडलाइन एक लगाया हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी ही लीड कनेक्ट की हुई है। फ्रेंड्स आप इस तरह की टोन सुन रहे होंगे, थोड़ी डिफरेंट सी टोन सुन रहे होंगे इसमें, ये जिस तरह आप, क्योंकि ये मैंने ये फोन कनेक्ट किया है ये ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जियो ब्रॉडबैंड के साथ, तो ये आपको थोड़ी डिफरेंट तरह की टोन सुनाई देगी। अगर आप BSNL लैंडलाइन के साथ कनेक्ट करेंगे तो डिफरेंट टाइप की टोन होगी। ये देखिए आप बहुत ही ऊंची साउंड है इसकी, आप ऑफिस में इसको आराम से लगा सकते हैं, इसका जो स्पीकर वॉल्यूम है बहुत ही हाई लेवल का स्पीकर वॉल्यूम है, जिसको कि आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जहां पे कंपनी ने स्विच दिया हुआ है स्पीकर वॉल्यूम प्लस और स्पीकर वॉल्यूम माइनस। कॉलर आईडी के लिए कंपनी ये 2 स्विच लगाए हुए हैं अप डाउन, जिस तरह ये अप डाउन के आप एरो देख रहे हैं, कॉलर आईडी के लिए 2 स्विच लगाए हुए हैं कंपनी ने। जो इसका मुझे LCD स्क्रीन लगा, बहुत ही ब्राइट स्क्रीन लगा, हालांकि इसमें सेल वगैरह नहीं डलते हैं, फिर भी आप अगर रात के टाइम भी अगर आप इसके कॉलर आईडी देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इसका मतलब अच्छा मुझे कॉलर आईडी लगा है, आप रात के टाइम भी आप इसको बहुत आराम से देख सकते हैं। बाकी कॉलर आईडी के लिए क्लियर फैसिलिटी और एग्जिट वगैरह, म्यूट स्विच, बाकी इसकी जो मुझे रबड़ लगे, कीपैड लगे बहुत ही, मैंने बीतल के फोन भी यूज करके देख चुका हूँ, इसकी जो मुझे रबड़ लगी बहुत ही थोड़ी अच्छी किस्म की रबड़ लगी हुई है। बाकी ये जो शेद इसमें मैंने आपको बताया था बॉल माउंटेबल के लिए, ये दो इन्होंने शेद भी रखे हुए, आप इसको बॉल माउंट भी कर सकते हैं। बाकी इधर कंपनी ने दिया हुआ है स्विच, जो उसकी ये रिंग कम ज्यादा या बंद भी आप जहां से ऑफ भी कर सकते हैं। बाकी मैं अब आपको इस सेट पे रिंग करके बता देता हूँ मोबाइल से कि रिंग किस हिसाब की, आपको ये सेट परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप रिंग देख के आपको अनुमान लग जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मोबाइल से अब रिंग करके देख लेता हूँ मैं सेट पे। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी रिंग है, जो आप इसकी रिंग अगर एक रूम में अगर इसकी रिंग आ रही हो तो दूसरे रूम में भी आप आराम से इसकी रिंग आपको सुनाई देगी। जे मैं आप स्विच से रिंग इसकी थोड़ी आहिस्ता करूंगा, आप एक वन स्टेप आहिस्ता करूंगा। अब जब मैंने इसकी रिंग ऑफ कर दी, हेलो हेलो क्या हाल है आपका, ठीक हो? फ्रेंड जिस तरह की आप देख रहे हैं इसका जो स्पीकर वॉल्यूम है बहुत ही हाई क्वालिटी का स्पीकर वॉल्यूम, और ये फोन है ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देता हूँ, फ्रेंड्स
फ्रेंड्स अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको ये सस्ता सेट किस तरह पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये मैंने सेट ऑनलाइन मंगवाया है ड्यूरिंग अमेजोन सेल। जब अमेजोन में सेल लगती है तो नियर अबाउट को 10% वेट का लेस आपको मिल जाएगा, इसलिए अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो ड्यूरिंग आप अमेजोन सेल का वेट कीजिए, वहां आपको ये सेट 100 रुपीज लेस पड़ जाएगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। फ्रेंड्स होप करता हूँ जो मैंने इसका, मैं अब आपको प्राइस तो बता ही दिया है, मैंने इसका प्राइस नियर अबाउट मुझे को 1200 का पड़ा है। फ्रेंड्स होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ लग गया है। अगर अच्छे से समझ लग गया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।